हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम हमारे इस प्रोजेक्ट में लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम पर वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, तो ये हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि हमारी वेबसाइट कैसी होगी और हमारे वीडियो के कौन कौन से व्यू होंगे, तो इसमें हम हमारी वेबसाइट का काम शुरू करेंगे बनाने का। तो सबसे पहले हमें इसमें वेबसाइट को बनाने के लिए दो चीज़ों की जरूरत होगी। पहला हमारा एक टेक्स्ट एडिटर, तो मैं इसमें सबलाइन टेक्स्ट यूज़ करूँगा। आप उसमें टेक्स्ट एडिटर के लिए कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, नोट पैड, नोट प्लस प्लस प्लस, सबलाइन टेक्स्ट, ड्रीम वर्क, जो भी आपकी इच्छा हो। देन जो सेकेंड है हमारा, जो हमारा सर्वर होगा, क्योंकि हम हमारी डायनेमिक वेबसाइट बनाएंगे तो वो PHP पर होगी, तो PHP एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, इसलिए उसके लिए एक सर्वर की जरूरत थी, तो मैं वेम सर्वर यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले हम टेक्स्ट एडिटर देख लेते हैं। तो मेरा ये टेक्स्ट एडिटर है जिसमें मैं कोडिंग करूँगा। अच्छा एडिटर है, आप भी यूज़ कर सकते हैं इसे। ये जो वेब डिजाइनिंग होती है उसके लिए अच्छा एडिटर है सबलाइन टेक्स्ट। ये आप इसकी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। देन इसके बाद मैं अब फोल्डर बताता हूँ कि मैं किस फोल्डर में से अरेंज करूँगा। तो मैं ई ड्राइव के अंदर मैंने वेम सर्वर को इंस्टॉल कर रखा है, वेम के अंदर, WW के अंदर। मैं यहाँ पर एक फोल्डर बना लेता हूँ L1 नाम से, और इस L1 के अंदर हम फोल्डर बनाएंगे। सबसे पहला मैं फोल्डर बना लेता हूँ CSS के नाम से, जो हमारा प्रोजेक्ट होगा उसकी जो CSS होगी हम इसके अंदर लिखेंगे। देन सेकेंड होगा JS, जो हम जावास्क्रिप्ट के कोड लिखेंगे वो इसके अंदर होंगे। देन एक और मैं फोल्डर बना लेता हूँ एडमिन, इसके अंदर हम एडमिन पैनल से रिलेटेड चीज रखेंगे। देन इसके बाद जो होगा वो होगा इमेज, इसमें हम इमेज रखेंगे जो भी हमारे प्रोजेक्ट में इमेज यूज होगी। और अब मैं हम मेरे इस पर आ जाता हूँ टेक्स्ट एडिटर पर। मैं मेरी मेरा सबसे पहला एक पेज बना लेता हूँ, इसे मैं सेव कर देता हूँ L1 के अंदर। हमारी वेबसाइट का सबसे पहला पेज होगा, इसलिए मैं इसका नाम इंडेक्स रख देता हूँ, index.php। हमारी PHP की वेबसाइट है इसलिए हम इसका एक्सटेंशन .php रखेंगे। तो मैं index.php के नाम से सेव कर लेता हूँ, और इस पर बेसिक HTML का लेआउट बना लेता हूँ। यहाँ लिख देता हूँ, जैसे हमारा टाइटल देता हूँ वेबसाइट का होम। देन इसमें एक H1 टैग लगा के हम इसे रन करा के देख लेते हैं। तो मैं लिख देता हूँ वेलकम। देन अब मैं आ जाता हूँ वेब ब्राउजर पर, मैं आपसे एक वेब ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, जैसे कि मोज़िला फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ। देन यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लोकल होस्ट वेम सर्वर ओपन करने के लिए। देन यहाँ पर सारे प्रोजेक्ट दिख रहे हैं कि मेरे कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं। तो मैं, जैसे हमने L1 नाम का प्रोजेक्ट बनाया था, तो मैं L1 पे क्लिक करूँगा तो हमारा L1 ओपन हो चुका है। ये index.php थी इसलिए सबसे पहले हमारा पेज ओपन हुआ। जो इंडेक्स फाइल होती है वो सबसे पहले ओपन होती है, इसलिए हमने जो index.php एक फाइल बनाई है वो हमारी सबसे पहली फाइल होगी। तो ये फाइल हमारी रूट फाइल होगी। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हम किस तरह से कोडिंग कर सकते हैं हमारी वेबसाइट के लिए। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करें, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि हम जो भी नई वीडियो अपलोड करें उसकी रिसेंटली अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।